नमस्कार साथियों, दुर्वेश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आज करवाऊंगा आपको इंटीग्रेशन का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने दो वीडियोस कर ली हैं जिनमें हमने इंटीग्रेशन के बेसिक के बारे में करा और सेकंड पार्ट में हमने करा इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए उसी से रिलेटेड कुछ आगे करेंगे हम, तो अगर आपने वो दो वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। देखिए ये मेरी बुक आपका मेरी बुक के अकॉर्डिंग नई बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर है 8, जिसका भी हम पार्ट नंबर करने वाले हैं 8। आपकी बुक में हो सकता है इसका क्वेश्चन नंबर कुछ अलग हो। देखिए एलिमेंट का क्वेश्चन नंबर 8 है, पार्ट नंबर फर्स्ट करने वाले हैं आप। देखिए क्या है, दे रखा है कहता कि इंटीग्रेशन करो 2-3 ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, ये दे रखा है। इसका कहता क्या करो, इंटीग्रेशन करो। देखिए बिल्कुल आसान है, क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको अलग अलग पार्ट से डिवाइड कर देंगे। देखिए 2 को भी अलग से डिवाइड कर देंगे अपन, 2 बाय कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3 ऑफ साइन एक्स है, इसको भी डिवाइड कर देंगे हम किससे, कोस स्क्वायर ऑफ एक्स से। ठीक है, देखिए दोनों को हम क्या करने वाले हैं, दोनों इंटीग्रल्स को आप अलग अलग कर देंगे। 2 कांस्टेंट है पहले से बाहर ले लिया, यहां बच के आपका 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स, इसके साथ लगा दोगे आप डी एक्स, माइनस 3 बाहर ले लिया आपने, ऊपर बच गया आपका साइन एक्स, नीचे है आपका कोस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। देखिए 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स आपका किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स के, माइनस 3 ऑफ, इधर करेंगे हम क्या आएगा, इसको क्या करेंगे आपा, कोस स्क्वायर ऑफ 2x है इसको, सॉरी कोस स्क्वायर एक्स है उसको आप ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले साइन एक्स बाय कोस एक्स इंटू कोस एक्स में ब्रेक करेंगे, इंटू डी एक्स लगाया हुआ है, कर दीजिए। देखिए क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 3 ऑफ, साइन को अगर मैं कोस से डिवाइड करूंगा मेरे पास आएगा टेंजेंट ऑफ एक्स इंटू सीकेंट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए आप पूछ सकते हो आप मेरे से कि सर ये आपने अलग अलग कोस स्क्वायर को क्यों करा, वो इसलिए करा ताकि साइन को कोस से डिवाइड करूं तो टेंजेंट आ जाए, साथ में 1 बाई कोस एक्स आपका क्या हो जाए, सीकेंट एक्स, इसका मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला है इसलिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया। देखिए कर देता हूं मैं इसको आगे कंप्लीट, मेरा था 2 ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये था, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं इसको, 2 इंटीग्रेशन का साइन सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 3 ऑफ, यहां पे आएगा टेंजेंट ऑफ एक्स सेकेंड ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास में, टेंजेंट ऑफ एक्स होता है और माइनस 3 ऑफ टेंजेंट एक्स है, टेंजेंट एक्स इंटू सेकेंड एक्स है, ये किसका होता है आपका, सेकेंड ऑफ x का होता है, प्लस में क्या लगा दिया मैंने c, ये क्या है आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट सम दे रखा है आपको, ये दे रखा है थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 3। क्या दे रखा है आपको, इंटीग्रेशन का साइन है 2 ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ऑफ x इनटू sin स्क्वायर ऑफ x, साथ में क्या पड़ा हुआ है आपका dx, आपने इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए ये सिंपली तो होगा नहीं क्योंकि इसको अलग अलग फैक्टर्स ऊपर प्लस माइनस होता तो मैं डिवाइड कर देता दोनों को अलग अलग, ऐसा है नहीं तो क्या करेंगे हम, cos ऑफ 2x का फार्मूला देखेंगे। सबसे पहले cos ऑफ 2x का फार्मूला क्या होता है आपके पास में, वो रहता है जी आपका sin स्क्वायर ऑफ x माइनस cos स्क्वायर ऑफ x, इस फार्मूले का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। देखिए 2 तो कांस्टेंट है, मैंने क्या कर लिया बाहर ले लिया, यहाँ आएगा आपका साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस कोस स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय किससे आएगा, ये आपका कोस स्क्वायर ऑफ एक्स साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। देखिए अब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दीजिएगा, मैं इसको लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स को भी डिवाइड करिएगा कोस स्क्वायर ऑफ एक्स से और साइन स्क्वायर एक्स से भी। ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दीजिए, कोस स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ऑफ एक्स इनटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है ब्रैकेट लगा दीजिए, डीएक्स लिख दीजिए इसको। आगे क्या होगा, आप साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर तो क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, कितना आने वाला है आपका, ये आएगा
टू ऑफ वन बाय को स्केयर बचा आपके पास में कितना आएगा, सीकेंट स्केयर ऑफ एक्स आएगा, माइनस का साइन लगाइए, वन बाय साइन स्केयर एक्स कितना आएगा, कोसिकेंट स्केयर ऑफ एक्स आएगा, इंटू क्या लगा दीजिए, डी एक्स लगा दीजिए। सीकेंट स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है जी, टेंजेंट ऑफ एक्स होता है। कोसिकेंट स्केयर एक्स का होता है आपके पास में माइनस ऑफ कोट एक्स, प्लस में क्या लगा दीजिए आप, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट लगा दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास में, टू ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस, ये टू अंदर भी मल्टीप्लाई होएगा तो आपका आ जाएगा टू ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा आपका कोट ऑफ एक्स, प्लस में क्या आ जाएगा आपका सी, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट सम आपको दे रखा है, कहता सोल्व करिए, इंटीग्रेशन दे रखा है टू इंटू कोस ऑफ टू एक्स, और फिर दे रखा है कोस स्केयर एक्स इंटू साइन स्केयर ऑफ एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, टू तो कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे आप, यहाँ पे आपके पास बचेगा कोस ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्केयर ऑफ एक्स इंटू साइन स्केयर ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या होगा आपके पास में, कोस ऑफ टू एक्स है, इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो मैं आपको एक फार्मूला यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, वो लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखिए कोस ऑफ टू एक्स का फार्मूला होता है वो कितना होता है आपके पास में, वो होता है आपका कोस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर ऑफ एक्स। इस फार्मूले को मैं डायरेक्टली यहाँ यूज करने वाला हूँ तो कर लेता हूँ। देखिए क्या आएगा आपके पास में, इंटीग्रेशन का साइन कोस स्केयर ऑफ एक्स माइनस साइन स्केयर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय आपका दे रखा है कोस स्केयर एक्स इंटू साइन स्केयर ऑफ एक्स। टू देखिए कॉन्स्टेंट था बाहर है, बाहर ही रहने दिया उसको। अब आगे क्या आ जाएगा आपका, ये देखिए अब इसको डिवाइड कर दीजिए दोनों फैक्टर को अलग अलग से, क्या आएगा कोस स्केयर को कोस स्केयर लिख देता हूँ मैं, कंप्लीट ही कर देता हूँ, शॉर्टकट नहीं करूँगा। यहाँ पे कोस स्केयर ऑफ एक्स है, साइन स्केयर ऑफ एक्स है, माइनस का साइन लगाइए आप, यहाँ क्या दे रखा है आपको साइन स्केयर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या दे रखा है आपको कोस स्केयर ऑफ एक्स इंटू साइन स्केयर ऑफ एक्स, साथ में क्या लगा दीजिए डी एक्स लगा दीजिए, क्या आएगा आपका। देखिए अब करेंगे तो कोस स्केयर से कोस स्केयर तो कैंसिल हो जाएगा, साइन ऊपर जाएगा आपका क्या जाएगा कोसिकेंट स्केयर ऑफ एक्स, ठीक है। इधर से क्या आएगा आपके पास में, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा सीकेंट स्केयर ऑफ एक्स आएगा, साथ में क्या पड़ा हुआ है आपका डी एक्स पड़ा हुआ है। देखिए सोल्व करिए क्या आएगा आपके पास में, ब्रैकेट लगा दीजिए, कोसिकेंट स्केयर एक्स का आपके पास क्या आएगा इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोट एक्स माइनस टेंजेंट, सिकेंट स्केयर किस का इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास में टेंजेंट ऑफ एक्स, प्लस में क्या लगा देंगे आप इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। आप नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे वो है अपनी क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4, देख लीजिए क्या दे रखा है आपको, वो दे रखा है कहता इंटीग्रेट करिए क्या कोस ऑफ 2x माइनस कोस ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाय आपका दे रखा है कोस ऑफ x माइनस कोस ऑफ अल्फा इंटू क्या दे रखा है आपको डी एक्स दे रखा है। देखिए ये प्रॉब्लम दे रखी है, अब यहाँ पर हमें क्या है आपको पहले तो क्लियर कर दूं कि अल्फा है वो कांस्टेंट है, इसलिए कोस ऑफ टू अल्फा भी मेरे पास क्या आएगा कांस्टेंट आएगा। देखिए यहाँ पर भी अपने को एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, वो फार्मूला क्या रहेगा अपना वो देख लीजिए, कोस ऑफ टू थीटा अगर आपके पास में होता है तो मैं लिख देता हूँ कि कोस ऑफ टू थीटा अगर आपके पास में होता है तो आप उसको लिख सकते हो टू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। इस फार्मूले का मैं क्या करूंगा अब यहाँ पर यूज करूंगा, क्या आएगा मेरे पास कोस ऑफ टू अल्फा पे लगाते थे पहले तो आएगा मेरे पास टू ऑफ कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, माइनस का साइन लगाइए, ये कितना आएगा आपके पास टू ऑफ कोस स्क्वायर अल्फा माइनस वन डिवाइडेड बाई कोस ऑफ अल्फा सॉरी कोस ऑफ एक्स माइनस कोस ऑफ अल्फा इंटू क्या आएगा आपका डी एक्स। देखिए अब क्या आएगा आपका, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिएगा, कोस स्केयर ऑफ एक्स माइनस वन माइनस टू ऑफ कोस स्केयर अल्फा माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस वन डिवाइड बाय कर दीजिए जो दे रखा है आपको कोस ऑफ एक्स माइनस कोस ऑफ अल्फा इंटू लगा दीजिए डी ऑफ एक्स। देखिए ये माइनस का वन है ये प्लस का वन है, क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास में बचा क्या है टू ऑफ कोस स्केयर अल्फा माइनस टू ऑफ सॉरी टू ऑफ कोस स्केयर एक्स माइनस
टू ऑफ कोस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कोस ऑफ एक्स माइनस कोस ऑफ अल्फा इंटू डी ऑफ एक्स। अब क्या आएगा आपके पास में, यहां से आप सोल्व करते हैं तो टू दोनों में आ रहा है कॉन्स्टेंट, मैंने क्या कर लिया बाहर लिख दिया, यहां आपका आएगा कोस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस कोस स्क्वायर ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय कोस ऑफ एक्स माइनस कोस ऑफ अल्फा इंटू क्या आ जाएगा आपका डी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब इसको मैं फर्दर क्या करने वाला हूं, सोल्व करने वाला हूं। देखिए मैं यहां कर रहा हूं इसको, टू मेरा कॉन्स्टेंट था मैंने लिख लिया, यही कॉन्स्टेंट रखा टू ऑफ कोस स्क्वायर अल्फा, फिर से लिख रहा हूं कुछ भी यहां पे ऑपरेट नहीं कर रहा हूं, टू ऑफ कोस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कोस ऑफ एक्स माइनस कोस ऑफ अल्फा इंटू क्या कर दीजिए आप डी ऑफ एक्स कर दीजिए। देखिए क्या करेंगे कि कोस स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस सॉरी कोस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस कोस स्क्वायर ऑफ अल्फा दे रखा है, अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा हो तो आप वहां पर एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं क्या कोस ऑफ एक्स माइनस कोस ऑफ अल्फा, साथ में क्या आएगा आपका यहाँ पे कोस ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ अल्फा इंटू डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोस ऑफ एक्स माइनस कोस ऑफ अल्फा, इसको क्या कर देंगे हम कैंसिल कर देंगे, टू ऑफ कोस एक्स प्लस कोस ऑफ अल्फा इंटू क्या पड़ा हुआ है आपका डी ऑफ एक्स है। देखिए यहां तक कोई प्रॉब्लम आई है आपको, यहां से आप क्या कर दीजिए इंटीग्रेट कर दीजिए, टू ऑफ कोस अल्फा, टू तो कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, कोस अल्फा का आएगा आपका साइन ऑफ सॉरी एक्स है साइन ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस, देखिए कोस ऑफ अल्फा कॉन्स्टेंट है इसलिए मैं कोस ऑफ अल्फा एज इट इज लिख रहा हूँ और इसके साथ में क्या लगा दे रहा हूँ एक्स लगा दे रहा हूँ, प्लस में क्या आ जाएगा आपका सी, सी क्या होता है आपका इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया है। इसी तरह की मेरे को एक प्रॉब्लम और मिली है इसी तरह की सम का, ये बुक में मेंशन नहीं है फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट सम लगा मेरे को, तो ये कर लेना चाहिए अपने को। ये दे रखा है इसने कि इंटीग्रेट करो, कहता कोस ऑफ टू एक्स प्लस में टू ऑफ साइन स्केयर एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्केयर ऑफ एक्स, कैसे करेंगे देखिए कोस ऑफ टू एक्स का फार्मूला लगा दूंगा मैं यहाँ पर, कोस ऑफ टू एक्स का फार्मूला लगाऊंगा साइन के अंदर, वो होता है मेरे पास वन माइनस टू ऑफ साइन स्केयर एक्स। देखिए अब इसमें लगा देते हैं आप वैल्यू इंक्रीमेंट कर देते हैं, वन माइनस टू ऑफ साइन स्केयर एक्स प्लस में टू साइन स्केयर एक्स पहले पड़ा हुआ है टू ऑफ साइन स्केयर एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्केयर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। देखिए टू साइन स्केयर एक्स इधर माइनस का इधर प्लस का क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, काट देता हूं मेरे पास यहां बचेगा वन बाय कोस स्केयर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स जो कि इक्वल्स टू लिख दूंगा मैं बाद में सेकेंड स्केयर ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, सेकेंड स्केयर एक्स का आपके पास में इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस सी। देखिए दोस्तों आज हमने कुछ और इंटीग्रेशन करा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों को यूज करते हुए, हम आगे बढ़ेंगे इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे नई वीडियो। अगर अब तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसे सोल्व करेंगे। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिए, थैंक यू।